दुर्गा पूजा तो आ ही गया है और दिवाली भी आने वाला है, तब कुछ डिस्काउंट वगैरह दीजिएगा कि नहीं? हाँ, कितना का पड़ेगा सब? अभी बाइक वगैरह का रेट थोड़ा सा बताइए हमको भी। 150 रुपया देगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही टाइम के बाद आए हैं, लेकिन यार एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ आए हैं। अब दोस्तों, आपको तो पता होगा कि अभी मतलब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, एकदम वही दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, एकदम मजा में, मतलब कोई पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। तो दोस्तों, इस इन सीजन की सबसे बढ़िया खासियत क्या होती है? वो ये है कि आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स देने को मिलते हैं। मतलब आप कोई भी सामान लेते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं, बाइक, कार, ट्रेन, कुछ भी जो भी आप खरीदते हैं, आपको इसमें अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रेन मैंने बोला, अरे ट्रेन गलती से हो गई। तब दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि मतलब लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऑफर्स निकल कर आया है। तब दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस वीडियो में ऐसा तो नहीं है कि यार ये बताने वाला हूँ कि मतलब आपको इस बाइक पर क्या ऑफर देखने को मिलेंगे, उस बाइक पर क्या ऑफर देखने को मिलेगा, क्योंकि यार मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो आपको डिटेल बता सके कि हर एक कंपनी की इस बाइक पर आपको क्या ऑफर देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है वो आपको वीडियो के आगे में पता चल गया। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है, हमको पता है आप एक्साइटेड हो, चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, मैंने 2-3 शोरूम से पता किया कि अभी के टाइम में मतलब क्या ऑफर्स आ रहा है। तो कई सारे लोगों ने तो मतलब दुर्गा पूजा से होंडा कंपनी को देख लिया जाए, तो वो इन्होंने दुर्गा पूजा के टाइम में कोई ऑफर नहीं निकाला, इन्होंने डायरेक्टली दिवाली के लिए ऑफर निकाला है। तो लेकिन अगर हम यही हीरो कंपनी की बात की जाए, तो इन्होंने दुर्गा पूजा के लिए भी अभी से ऑफर निकाल के रखा है, और इनका ये कहना है कि दिवाली के टाइम का अभी तक ऑफर आया नहीं है, आएगा। मतलब अभी इनके पास दिवाली के का कोई अपडेट नहीं है कि क्या ऑफर्स आने वाले हैं या फिर नहीं भी आएंगे, लेकिन दोस्तों दुर्गा पूजा के इनके पास ऑफर आ चुका है। तो अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी आपको अपडेट बता रहा हूँ या जो भी ऑफर्स बता रहा हूँ, आप इसे कंफर्म जरूर करें। क्यों करें? पहले आप उससे पहले ये एक ऑडियो सुन लीजिए। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में, अभी पूजा के टाइम में या फिर आने वाले टाइम में दिवाली के टाइम में, अगर मैं कोई 125 सीसी की बाइक लेता हूँ, ग्लैमर या फिर सुपर स्प्लेंडर, तो इन सभी में मेरे को क्या ऑफर्स देखने को मिलता है? सर, अभी तो मैं दुर्गा पूजा का ऑफर आपको बता सकता हूँ, दिवाली में क्या ऑफर आएगा वो मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है? जी, तो ये ऑफर कंटिन्यू है या ऑफर आया? जी ठीक है सर। जी जी, तो पूजा का ऑफर अभी चल रहा है सर जी, 125 सीसी का गाड़ी लेंगे तो 21 रुपीज आपको ऑफ मिलेगा सर जी। अब कैश है, डाउन पेमेंट आप कुछ मिलेंगे, डाउन पेमेंट मिलेंगे तो आपका इंटरेस्ट अभी कम हो गया है, 10.7% आपका आ गया है, 7% इंटरेस्ट से, और कैश में लेंगे तो आपका 21 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा। ओके ओके। तो दोस्तों, माफ़ करना, थोड़ा सा ऑडियो उतना कुछ खास क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा घिचघिचाहट टाइप का आवाज़ आया होगा, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि दोस्तों इनका मतलब मेनली ये जो ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं वो हम ये बता रहे हैं कि अगर आप कैश देकर कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, मतलब पूरा पेमेंट करके एक ही बार में एकदम कैश चेक जो भी करके एकदम निपटा देना है, तो उसमें आपको 2100 रुपये का मतलब ऑफ देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी 150, याद रखिए 150 सीसी के अंदर की बाइक लेते हैं तो, और अगर यही अगर आप मतलब फाइनेंस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इनका ये कहना है कि अभी लो इंटरेस्ट चल रहा है, 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है कि भाई 10% मतलब बहुत सही है। तब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर और एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं कब से इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि यार कंफर्म कर लीजिए, ये कर लीजिए, कंफर्म नहीं ये वो, क्यों? दोस्तों ध्यान दीजिए, हर एक शोरूम का जो ऑफर्स होता है वो उसके अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से होता है, उसका अपने सेल के हिसाब से होता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये भाई साहब अगर मुझे 10% दे रहे हैं तो आपके नज़दीकी वाले शोरूम में, हीरो शोरूम ही आपको 10% दे, हो सकता है कोई 9% भी दे सकता है, हो सकता है कोई 11% भी दे सकता है, तो ये चीज़ डिफरेंट करता है। हो सकता है दोस्तों कि अगर आपका मतलब वो जो शोरूम है वो फुल पेमेंट पर, हो सकता है कि आपको कुछ पेटीएम वगैरह पर भी कुछ ऑफर दे, या फिर कुछ कैश में कुछ ज़्यादा दे कुछ कम दे, क्योंकि दोस्तों देखिए ये शोरूम के सेल पर डिपेंड करता है, और दोस्तों शोरूम वाइज भी हर एक जगह पर अलग अलग होता है। दोस्तों होंडा के शोरूम में देख लीजिए, इन्होंने अभी दुर्गा पूजा के टाइम में कोई ऑफर नहीं निकाला, कौन सा शोरूम ने निकाला? मेरे घर के नज़दीक जो शोरूम उसने नहीं निकाला, हो सकता है कोई दूसरा शोरूम निकाले। दोस्तों मेरा यही पर यही कहना है कि अगर आप कोई भी बाइक लेने की सोच रहे हैं, मान के चलिए कि आप उसको आपको वो बाइक लेना है, आपको हीरो ग्लैमर लेना है, तो आप बेसिकली जाहिर सी बात है होंडा शोरूम में कॉल नहीं कीजिएगा, आप हीरो शोरूम में कॉल कीजिएगा। तो आप कोई भी नज़दीकी अपने हीरो शोरूम में, दोस्तों एक शोरूम में नहीं 2-3 शोरूम में कॉल करें, इससे क्या होगा कि ऑफर्स बेस्ट डील्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अब ऐसा तो भाई कोई मतलब नहीं ना है कि आपको ट्रिबैगो जैसा कि आपको शोरूम्स के ऑफर्स कंपेयर करके आपको खुद करना पड़ेगा काम। तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही कि आप अपने नज़दीकी अपने जो भी 3-4-5
रेडियस 5 किलोमीटर के रेडियस में आप देख लीजिए कौन कौन से शोरूम्स हैं, उनके एक लिस्ट बनाइए, धड़ाधड़ कॉल मारिए, पूछिए, क्योंकि दोस्तों आपको कई शोरूम्स हैं जो कि बोलेंगे कि सर आप शोरूम में आकर मतलब बात कीजिए, हम आपको खुल के बताएंगे। लेकिन दोस्तों मैंने उनसे बहाना किया, कह रहे सर ट्रांसपोर्ट नहीं है, सर ट्रांसपोर्ट की वजह से तो हमको गाड़ी लेना है, और आप गाड़ी नहीं लेंगे तो मतलब समझ रहे हो ना, हम नहीं आ सकते शोरूम में। तो फिर उन्होंने कुछ कुछ बताया, हालांकि बहुत कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों बेसिकली उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया, मेरा फोकस उस पर ज़्यादा नहीं है, मेरा फोकस इस पर है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ऑफर्स क्या है क्या नहीं है, और उसी के लिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। क्योंकि यार अभी के टाइम में गूगल मैप्स वगैरह का हेल्प तो आप आराम से ले सकते हैं, आप इनके द्वारा बहुत ही आसानी तरीके से अपने नज़दीकी जो भी शोरूम से उनकी डिटेल निकाल सकते हैं, और वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि अभी के टाइम में करंटली क्या ऑफर चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये मौका आप दुर्गा पूजा और दिवाली ये दो टाइम के मौका को आपको मतलब मिस नहीं करना चाहिए, मेरा यही कहना है। दोस्तों बेसिकली ये वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि अगर अभी के टाइम में आप कोई भी बाइक लेना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात की अभी बेस्ट टाइम है, अगर मुझे ऐसा ऑफर सुनने के आ रहा तो ऐसा बात तो नहीं कि आपको कोई ऑफर सुनने को आएगा नहीं। अगर मेरे नज़दीकी में जैसे कि मैंने पता किया तो कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ ऑफर मिला ही मिला, तो वैसे आपको भी यही काम करना, यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करना कि अपने नज़दीकी शोरूम से कॉन्टैक्ट कीजिए, पता कीजिए कि क्या ऑफर्स हैं क्या नहीं है। ऐसे मतलब आप मेरे वीडियो देख कर आएँ कि भैया ये तो बता रहे हैं कि हीरो शोरूम में क्या ऑफर है, मैं बताया कि यार आपको 2100 रुपये का ऑफ देगा, आप शोरूम में बोले कि क्या कुछ ऑफ अपने घर जाओ, समझ रहे हो ना। तो बहुत तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ जेन्युइनली, यहाँ पर मुझे आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना है भाई बोल के कि ये है वो है। क्योंकि देखो यार मेरे कंटेंट को कई लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा सही बोला है कि नहीं बोला है, मेरे पिछले वीडियोस के मतलब फीडबैक से मुझे पता चल जाता है। हालांकि अगर आप मेरे पिछले वीडियोस के फीडबैक देखें जिसमें मैंने जिस पर बहुत सारे अच्छे खासे डिसलाइक आए थे मेरे GST वाले वीडियो पर, मतलब जिस पर मैंने ये बताया था कि GST का क्या होने वाला है, दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी GST को लेकर कुछ चेंजेस नहीं हुए, और जाहिर सी बात है लोग इस बात में डिसएग्री किए, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, अभी तक कोई चेंजेस आया नहीं है। तो यहाँ पर बात एकदम क्लियर है कि भाई, और एक मैंने वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब आने वाले टाइम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बाइक को फेवर करते हैं उसके प्राइस कम होने को, और आप देख सकते हैं अभी मैंने उसमें ये भी मेंशन किया था कि आपको आने वाले दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम में फेस्टिव सीजन में ऑफर्स देखने को मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। मैंने ये भी बोला था कि GST रेट कम होने के चांसेस हैं, चांसेस थे भी, हालांकि नहीं हुआ क्योंकि वो प्रपोजल डिक्लाइन हो गया, लेकिन चांसेस थे अगर वो हो जाता तो वहाँ पर मैंने जो चीज़ बोला था वो एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को मुझे लगता है कि आपको एनालाइज करके जानना चाहिए और खुद से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो करते हैं एंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा अगर आप बाइक खरीदना चाहते हैं तो अगर वीडियो को हेल्पफुल पाया तो यार लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे एक अगले वीडियो पर एक और अच्छे टॉपिक साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।